आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ थर्मोजेनिक इफेक्ट? पूछा गया इन चारों में से कौन सा हार्मोन जो है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो पहले देख लेते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट क्या है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि बॉडी में से हीट जो है वो रिलीज होता है, बॉडी से हीट जो है वो रिलीज होता है। अब कौन सा हार्मोन जो है इसमें हेल्प करता है? तो थर्मोजेनिक जो इफेक्ट है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होता है बॉडी से, मतलब ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के टाइम जब ओवम हमारा फर्टिलाइज नहीं होता है और वो डीजेनरेट करने लगता है, तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा जो होता है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा 12 to 14 डेज के टाइम पे होता है। और इसी कारण से जो होता है कि कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो होता है या फिर आफ्टर ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, जिससे कि बॉडी से थर्मोजेनिक इफेक्ट जो है वो रिलीज होने लगता है। और ये सारा चीज़ जो है वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 to 14 डेज होता है जब ओव्यूलेशन पाया जाता है या फिर बॉडी में ओवम जो है वो रिलीज होता है। और इसी टाइम पे जो है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये और एक चीज़ करता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है उसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे स्पैजम्स को रिलैक्स करते हैं और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हमारा मूड स्विंग्स होता है। और क्या होता है, और जो हमारे क्रैम्स होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं, और उनसे रिलीज भी जो है या फिर उनसे रिलैक्स भी जो करता है वो भी प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो चलिए देखते हैं अब बाकी ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है LH। LH जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसका जो काम है हमारे बॉडी में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन का काम करता है। मतलब जब ओव्यूलेशन होता है या फिर ओवम रिलीज होता है तो हमारा LH हाई रहता है। FSH जो है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ओवम बनते हैं तो उसको स्टिमुलेट करता है हमारा FSH। अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये भी ओव्यूलेशन के टाइम पे या फिर उसके पहले हाई रहता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो कि वॉल थिकनिंग में हेल्प करता है। तो लास्ट है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बारे में हम लोग अभी भी डिस्कस कर लिए हैं। और प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो कि थर्मोजेनिक इफेक्ट में एकदम बरकरार रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये तीनों नहीं होगा, और जो होगा वो है लास्ट ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।